अच्छी कोशिश दोस्तों, लेकिन तुम्हें पता है मेरा मुकाबला करना मुश्किल है। मेरे कायदास्टिक पैंतरे का तो जवाब ही नहीं। हम अभी इसका इलाज कर देते हैं, इसे दिखा देते हैं बूम। हो अभी दिखा देते हैं, ठीक है? सच में दिखा दिया हमने। काय काय तुम ठीक तो हो? हाँ तुमने दिखा दिया कि तुम है, सबक सिखाने की जरूरत है। ओके, अब प्रैक्टिस का वक्त खत्म हो चुका है। मानना तो पड़ेगा काय, अपने डैड के सिग्नेचर मॉन्स्टर को बढ़िया कंट्रोल करते हो तुम। तैयार हो जाओ दोस्तों, रडार पर कायरो ऊर्जा का सिग्नल दिख रहा है। चलो टीम, मिशन पर निकलने का वक्त हो गया है। ठीक हूँ, तुम्हारे कारण। मैं हूँ कॉनर स्टैक्स। मैं हूँ ननुक। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है केयूश, मतलब भालू का बच्चा। हेलो। मेरा भी अपना एक भालू का बच्चा है, उसका नाम काय है, पर मैंने काफी दिनों से उसे देखा नहीं है। तो तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने फंसा दिया था? लोकार ने, मेरे जानी दुश्मन ने। मैं अपने बेटे को बहुत मिस करता हूँ, पर मैं उसे अभी मिलने की कोशिश करके उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। पर जब भी वो मुझे मिलेगा, उसके लिए मेरे पास एक खास गिफ्ट है, कुछ जो मैंने कायरू लड़ाई में जीता था। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है बेटा, अगर तुम इसे कभी देखो तो याद रखना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। वो हम देख लेते हैं लोकार। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया स्टैक्स, जिसका मतलब है तुम मेरा सर्वशक्तिशाली होना नहीं देख पाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, बस कुछ ही पलों में तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अपने ताबूत को खूब एंजॉय करो। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे लोकार को ढूंढना होगा और देखना होगा कि वो कितना शक्तिशाली बन चुका है। क्या बात है मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है? कायरू महसूस हो रही है मुझे। कायरू? ये एक अद्भुत शक्ति है जो लोकार को मात देने में काम आएगी, और उसकी मौजूदगी का मतलब खतरे की आहट। हम क्या करें? तुम्हारी इजाजत से मैं यहाँ रहकर चीजों पर नजर रखना चाहता हूँ। मिशन बहुत ही खराब बा। मैं भी यही कह रहा हूँ, इस बर्फ में चलना भी मुश्किल है। मुश्किल है? मैं तो इस पर ठीक से चल ही नहीं सकता। संभल कर। हाँ, अभी आवाज आई। पता चला हम किस तरफ जा रहे हैं मुके? अलास्का। क्या तुमने अलास्का कहा? वही तो मेरे डैड गुम हो गए थे। तुम्हें यकीन है? मेरा मतलब ये बहुत बड़ा इत्तेफाक हो सकता है। ये इत्तेफाक नहीं, इस मिशन का मेरे डैड से कुछ तो ताल्लुक है, मुझे फील हो रहा है।
शायद वो कायरो ऊर्जा के जरिए हमें सिग्नल दे रहे हैं। परेशान मत हो काय, हमें इस बात का यकीन है कि वहाँ कहीं पर कायरो मौजूद है। माया सही कह रही है दोस्त, ज्यादा सोचकर परेशान मत होना, चलो उतरने की तैयारी करते हैं। हाँ, लगता है तुम सही हो। ओह, डैड का एक्स रीडर ले लेता हूँ। हाँ? शायद जरूरत पड़ जाए। इस तरफ से आने का आइडिया तुम में से किसका था जरा बताओ। बबुआ, इतोहार आइडिया बहुत जीनियस। गलत बैश, तुम्हारा ही था। कम से कम आइडिया तो है। हाँ, बेकार के। खामोश, खामोश, खामोश। बैश, हमारा हाथ पकड़कर हमें बर्फ से बाहर निकालो। अब हमका कौन निकाले? इसे यहीं पर छोड़ के जाते हैं। नहीं, इसे निकालना अच्छा रहेगा। लगता है हमारे दोस्त टीम स्टैक्स भी आ गए हैं। चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। डैड, आप कहाँ हैं? बस एक इशारा दीजिए। कायरो यही कहीं है। यहाँ आओ, इस तरफ। मेरे पास अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम्हारे मिशन की शुरुआत कायरो चुनौती से करते हैं। दोस्तों, तुम्हें हरा कर तुम्हें शर्मिंदा करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो हिसाब चुकता कर लेते हैं, चुनौती मंजूर है। रिपटाइड चारबॉल। Roger, Bone Crusher. My God, Nightmare Dad. देखते हैं मेरे टार बॉल्स ठंड कम करते हैं या नहीं। नहीं कर पाए। ओह, टार बॉल्स पसंद नहीं है, यकीनन मेरे पास कुछ और भी होगा। मैग्नेटिक टोर्नेडो। तुम्हारा सबसे तेज स्पीड अटैक भी मेरे लिए धीमा है, जरा इसका मुकाबला करके दिखाओ। मैन ऑफ वॉर। बोन क्रशर। बच गया। थैंक्स माया। कोई बात नहीं, मैं इसको दिखाती हूँ। हमार जूता। चलो इसी के साथ मैं ऐलान करता हूँ कि ये चुनौती खत्म हो गई। इतनी जल्दी नहीं। ब्लिज़र्ड एक्सेस। माया, कहाँ हो तुम लोग? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ हूँ। इस तरफ। डरपोक, हम उनका सफाई कर दे इससे पहले ही वो भाग गए। पर मानना पड़ेगा, बैठक और की काफी अच्छी चाल थी। वो हमसे आगे निकल चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें कायरो तक उनसे पहले पहुँचना होगा। केयूष, तुमने तो डरा ही दिया। तुम कायरो की तलाश में मेरी मदद करोगे? कायरो की शक्ति बढ़ रही है और यहाँ पास ही है, इस तरफ। ये रही यहाँ। ये हमारे स्पिरिट एंटलर्स हैं। मेरे डैड ने बताया कि जब सालों पहले हमारे लोग भूख से मर रहे थे, तब इन्होंने आकर उन्हें बचा लिया। तुम्हारे स्पिरिट एंटलर्स में और भी खासियत है जो तुम नहीं जानते केयूष। वो कायरो ऊर्जा से भरे हुए हैं, पर एक्स रीडर के बगैर उन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कुछ अजनबी आए हैं गाँव के उस छोर पर। ये वही खतरा है जिसका मैंने जिक्र किया था।
इसे छुपा दो, मैं अजनबियों से निपटता हूं। ये तो ईटीन्स लगते हैं। केयूष, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। पर मुझे देखना है। ठीक है, पर अगर हमने उन्हें रैली तक पहुँचने से पहले नहीं रोका तो कोई जगह सुरक्षित नहीं होगी। सब पीछे हटो। सामने ही है और टीम स्टैक्स को रास्ते से हटाने के बाद हमें इसे लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तन लोग, ऊका इससे बचो। लगता है इतने दिन वहाँ फंसे रहने पर भी मेरी ताकत में कोई कमी नहीं आई। वो हमेशा के लिए तो जाएंगे नहीं, हमें शायद बस थोड़ी सी और मोहलत मिल गई है। वो वापस आ रहे हैं। गाई, ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? ये मेरा भालू का बच्चा और उसके दोस्त हैं। हाँ, ये बैटर कॉल्स बड़े तेजी से जा रहे होंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते। खासकर जब मेरा एक्स रीडर बता रहा है कि काइरू ज्यादा दूर नहीं है। सही कहा काई, ये जरूर आसपास ही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। आप रो क्यों रहे हो? बहुत समय हो गया मुझे अपने बेटे से मिले हुए और मैं किसी भी हाल में उसके साथ होना चाहता हूँ। आप उसके पास जाते क्यों नहीं? चाहता तो हूँ, पर मैं जितना काई से प्यार करता हूँ, मुझे पता है लूकार को मेरी वापसी का पता चलना तो वक्त की बात है। और अगर उसे ये पता चला कि मैं अपने बेटे से मिला हूँ तो मेरा बेटा और उसके दोस्त खतरे में पड़ जाएंगे। अभी के लिए तो मैं उससे दूर से ही मदद करूँगा, जब तक मिलने में कोई खतरा ना हो। संभाल कर अजनबी, मैं और मेरे सारे पूर्वज जो मुझसे पहले यहाँ आए हैं तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। काइरू अब भी यही है, हमें अलग होकर उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि बैटक और यहाँ पहुंच जाए। समझो काम हो गया। मुझे बताया गया था कि तुम मेरे पूर्वजों के एंटलर्स लेने आओगे, मैं बिना लड़े उसे आसानी से नहीं ले जाने दूंगा। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं सर, और ना ही आपके पवित्र एंटलर्स लेने। हमें बस वो कुछ ही देर के लिए चाहिए ताकि हम उसके अंदर की ऊर्जा तक पहुँच सके। ताकि तुम बुराई की तरफ से लड़ सको, मैं और मेरे पूर्वज ऐसा नहीं होने देंगे। माफ कर दे, तो हर वास्ते कौनो रास्ता ना बचा। ये हमारे हवाले कर दे, चाहे अच्छा लगे ना लगे। बिल्कुल नहीं बाश, लगता है फिर तो एक ही रास्ता बचा है, काइरू चुनौती। चुनौती मंजूर है, अच्छा होगा आप सुरक्षित जगह चले जाएं। बहुत अच्छे माया, और अब मेरी बारी है। बिग रिंग्स सोनिक स्पिन। अच्छी चाल है बूमर, ये लड़ाई को जितना सोचा था उससे भी आसान होगी। आसान फिर सोच लो। स्पाइक नाइटमेयर अटैक। साथ रहो केयूष। और अब इनका सफाया करने के लिए मैग्नॉक्स मैग्नस्लैम। राजा बर्सर्कर। संभल के। मेरा गांव। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? बहुत खूब, कमाल की चाल थी। शुक्रिया,
अब हम किनारे कैसे पहुँची? वो हम बाद में सोचते हैं, फिलहाल तो हमें ये लड़ाई खत्म करनी है दोस्तों। हमें प्लान चाहिए दोस्तों, ये बर्फ समंदर तक पहुँचने से पहले गांव और गांव वालों के बारे में सोचो। हाँ, तब तो बैठे को उसकी चिंता दूर की बात है। हमें कुछ सोचना चाहिए और मैंने सोच लिया है, रिपटाइड। मेरा सिग्नेचर मॉन्स्टर काई यूज कर रहा है। कोई बात नहीं केयूष, मेरा बेटा तुम्हारे गांव को बचा लेगा, यकीन मानो। हाइड्रो हुक्स। तुम कर सकते हो दोस्त। लगता तो नहीं है। टीम स्टैक्स की एक और हार। और काई ने इन नाकाम जालों में अपनी एनर्जी खो दी है, यही वक्त है उनका सफाया करने का। मुझे डूबने की आशंका हो रही है दोस्तों, कुछ तो करो। मेरा गांव, मेरे पिताजी। फिक्र मत करो बेटे, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, काई को भी नहीं। नहीं, पर जो भी था वाकई गजब था, और अब इसे खत्म करने के लिए सिग्नेचर अटैक। अब तो आप जान गए ना कि हम अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरा गांव आपका शुक्रगुजार है। उन लोगों को सबक सिखाने में हमें खुशी मिलती है, पर बुरी बात ये है कि वो कभी सीखते ही नहीं। तो क्या हम आपके पूर्वजों का एंटलर कुछ देर के लिए ले लें, प्लीज? तुम्हारी आंखों में जाना पहचाना सा भरोसे जैसा कुछ है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता केयूष? इसे खाली करते हैं दोस्तों। डॉज अच्छा है। बढ़िया, मुझे थंडर क्लैप मिला। पैरालिसिस स्प्रे। काइरू के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, और तुम्हारी वापसी की यात्रा सुरक्षित हो। हाँ? जरा इसे तो देखो। ये क्या है काय? एक कार्व्ड प्रोपेलर, बिल्कुल वैसा जैसा मेरे डैड ने बचपन में मेरे लिए बनाया था। हे, जरा सोचो तो, एक काइरू मास्टर के सिवाय और कौन हो सकता है जिसने लड़ाई के दरमियान पूरा गांव खींच लिया? वो यही होंगे। अगर वो यहाँ है तो वो सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं पता, पर जरूर किसी खास वजह के लिए होगा। शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। ये आपके लिए डैड। क्या तुम्हें पूरा यकीन है भाई? इतना भरोसा मुझे जिंदगी में और किसी बात पर नहीं था बुमा। सही हो बेटे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम अभी तो मिल नहीं सकते, पर मेरा दिल जानता है हम जल्द ही मिलने वाले हैं। मगर पहले मुझे एक मिशन पूरा करना है, और वो है लोकार के बुरे कामों का अंत कर देना।